नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। एक सर्वे के अनुसार दुनिया ने अपने विनाश के लिए एक से बढ़कर एक हथियार बना लिए और बना भी रहे ताकि वो अपने दुश्मन को हरा सके और अपनी ताकत की गर्मी दूसरे देश को दिखा सके। इसके साथ ही साथ एक दूसरे को नीचा दिखा सके। साथ ही आप अमेरिका के एयरफोर्स वन के बारे में तो जानते हैं, जिसके बारे में हम कई बार अपनी स्टोरी में जिक्र कर चुके हैं, जिसमें दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान यात्रा करता और एयरफोर्स वन दुनिया का सबसे शक्तिशाली विमान जिसे दुश्मन छू भी नहीं सकता। उसी की काट के लिए अब रूस ने अमेरिका को करारा जवाब दिया और रूसी वैज्ञानिकों ने अपने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए एक ऐसा ही विमान बनाया जिसका नाम अल्ट्रा मॉडर्न विमान, जिसे पुतिन को परमाणु युद्ध के दौरान इस्तेमाल करने की इजाजत होगी और राष्ट्रपति इसका इस्तेमाल कर सकता। इन विमानों में सवार होकर पुतिन न केवल जमीन पर पैदा हुए खतरे से दूर रहेंगे बल्कि रूसी सेना को जरूरी आदेश भी दे सकेंगे। इल्यूशन 96-400M नाम का ये विमान परमाणु हमले के दौरान रूसी सेना और मिसाइलों का कमांड सेंटर होगा। रूस ने इस परियोजना को वेनो 3S का नाम दिया। खबरों की माने तो रूस के सैन्य औद्योगिक क्षेत्र के दो नए एयरबोर्न कमांड एंड कंट्रोल प्लेन में से पहला विमान बन रहा। नया फ्लाइंग क्रेमलिन कमांड एयरक्राफ्ट पुराने इल्यूशन IL-80 मैक्स डोम्स की जगह लेगा। रूस के पास ऐसे चार पुराने विमान जिनमें से एक को हमेशा उड़ान के लिए मॉस्को में तैयार रखा जाता है। इसे आपातकाल में रूसी राष्ट्रपति की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया। जानकारों की माने तो नया एयरक्राफ्ट कई तरह के अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होगा। रूस के इस नए विमान को परमाणु युद्ध की स्थिति में राष्ट्रपति और अन्य शीर्ष सैन्य सुरक्षा और मंत्री स्तरीय अधिकारियों को सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया। इल्यूशन 96-400M ये विमान कई लड़ाकू विमानों के साथ चलता है। इसमें हवा में ईंधन भरने की सुविधा है। अमेरिका के एयरफोर्स वन की तरह सुरक्षा फीचर्स है। ये विमान दुश्मन की मिसाइलों को भी चकमा दे सकता है। रूसी एरोस्पेस फोर्सेस को IL-96-400M पर आधारित इस विमान पर रेडियो एक्टिव केमिकल का असर नहीं, बायोलॉजिकल हमले का भी असर नहीं होगा। विमान की खिड़की और दरवाजे मजबूत हैं। राइफल की गोली भी इसे छेद नहीं सकती। मॉस्कोव्स्की कॉम्सोमलेट्स की माने तो इस विमान का रेडियो कॉम्प्लेक्स 6000 किलोमीटर के दायरे में रह सकता है, जिसमें सैनिकों, रणनीतिक बॉम्बर्स, मोबाइल और साइलो लॉन्चर मिसाइल साइट्स और परमाणु हथियार ले जाने वाली पनडुब्बियों को आसानी से आदेश दे सकता। इस समय रूस के पास मौजूद ऐसे विमान से नए विमान की उड़ान भरने की सीमा लगभग दुगनी होगी। तो आप समझ सकते हैं कि रूस कैसे अमेरिका को जवाब दे रहा है। इसके साथ ही साथ रूसियों के बारे में कहा जाता है कि वो सुबह शाम दोपहर हर वक्त अमेरिकियों को देखकर सोते हैं, जागते हैं और हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। उसी का नतीजा है ये विमान।